जानकारी आपको प्राप्त हुई है, जानकारी पहले से भी होगी, जो लोग पढ़ते होंगे उनको पहले से होगी। मैं पहले कुछ जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्षों के नाम जो पहले से रहे हैं उनको बुलाता हूँ और उनसे आग्रह ये है कि इन जानकारियों में आप कितनी सीमा तक इन्वॉल्व हैं। हम अधिकारों की बात छोड़ दो ना, अधिकारों की बात तो करेंगे और वो होनी भी चाहिए, लेकिन हम कर्तव्यों के प्रति कितने सजग हैं। और इसलिए मैंने उनको, उन अध्यक्षों को यहाँ बुलाया है जो पहले से दो बार या तीन बार रहे हैं। तो ये 7-8 नाम आए हैं, एक नाम अभी मैं लूंगा जो सबसे कम उम्र के जनपद अध्यक्ष कह रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले मैं इनको जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्षों को बुलवाता हूँ, उसके बाद कोई प्रश्न बच जाए तो आप हाथ उठाना, प्रश्नोत्तर के बाद लंच भोजन तब करेंगे जब अपना खाता पूरा हो जाएगा। मनीष यादव, जनपद अध्यक्ष सागर, जिला सागर। इसके बाद तैयार रहेंगे आशीष खरे साहब, ग्वालियर, अशोक नगर ना, पन्ना। तैयार रहिए आप, आगे जाइए। खुली भारत माता की। जैसा कि भाई साहब ने बताया और आज मौका दिया, लगभग 22 साल 3 कार्यकाल जनपद के हमारे माता राम ने निकाले और चौथा कार्यकाल रेगुलर में शायद मध्य प्रदेश में कोई नहीं होगा हमारा चल रहा है। सबसे पहले तो भाई साहब को यहाँ बुलाने के लिए हम लोगों को, क्योंकि 4 कार्यकाल में आज तक कभी भी सभी जनपद अध्यक्षों को ऐसा सामूहिक रूप से बुलाया नहीं गया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे और सभी की ओर से बहुत बहुत आगे भी इसी टाइप का अगर आप कार्यक्रम करते रहें साल में एक बार तो उसके लिए 2 बार धन्यवाद। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि पहले जो लोग रह चुके हैं उन्हें मैं अधिकारों की बात भाई साहब ने पहले ही बोल दी है, हम बहुत सारी चीज़ें सुधारना चाहते हैं जो व्यवस्थाओं में हैं पहले से, अगर उनको सुधारेंगे तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें सुधरेंगी। जैसे हम चाहते हैं कि एक हेल्प टैक्स बनाई जाए आपके यहाँ, जिससे जो जनप्रतिनिधि हैं चुने हुए वो आपसे कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि सारे के सारे लोग पंचायतों ग्रामीण विकास विभाग में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एक हेल्प टैक्स बनाएंगे अपन तो उसमें सुझाव भी आ सकते हैं, रेगुलर उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरा, जैसे बहुत सारे अन्य विभागों का कार्य जनपद पंचायतों से किया जा रहा है, इसमें काफ़ी सारे विभाग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कार्य जनपद से करवाते हैं, जिसमें आपके संबल हो गया, कर्मकार मंडल हो गया, मध्यान्ह भोजन हो गया, SBM हो गया, लेकिन जनपदों में पर्याप्त इनके लिए स्टाफ नहीं है, खाली उनके विभागीय अधिकारी नियुक्त हैं, उनके अलावा कोई भी सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है, जिससे इनके कार्य जनपद के मूल कार्य प्रभावित होते हैं। इसके बाद जैसे अन्य संस्थाओं द्वारा, कई संस्थाओं द्वारा सीधे सीधे ग्राम पंचायतों को पैसा दिया जा रहा है और मॉनिटरिंग उनकी जनपद पंचायत से करवाई जाती है, तो ये बड़ा विषय है क्योंकि जनपद को पता ही नहीं रहता। महिला एवं बाल विकास है, आपके SBM से है, काफ़ी सारे विभागों से सीधा पैसा चला जाता है ग्राम पंचायतों को, वो समझ में आता है 3-3 साल बाद। आज हमारे लगभग 20 आंगनवाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको इनकम्प्लीट शो कर रहे हैं और जनपद में उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो अगर कोई उसकी जानकारी मिलती रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही जैसे सबसे बड़ी एक समस्या है हितग्राही मूलक योजनाएं जो चल रही हैं उनमें कंप्लायंस नहीं हो पाती, आवाज बन नहीं पा रहे हो या जो कुएं हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे, उनमें यदि हम ग्राम पंचायत को एजेंसी के रूप में शामिल करें तो हो सकता है कि ये समस्या, क्योंकि कई लोग किस्त ले ली, पहली किस्त ले ली, मकान नहीं बना रहे, कई लोग दूसरी किस्त लेके भाग गए, अब ग्राम पंचायत उसमें काम नहीं कर पा रही ना जनपद कुछ कर पा रहे हैं, तो इसको अगर अपन ने पंचायत को कहीं ना कहीं एजेंसी बनाएं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। एक और विषय है जो जनपद के कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए कोई भी पेंशन और ग्रेचुटी के लिए जनपदों के पास पैसा नहीं है और वो सारे के सारे रिटायर वेतन के लिए भी नहीं है, लेकिन इसको ध्यान दिया जाएगा तो 3-3 साल हो गए भटक रहे हैं वो लोग। इसके अलावा जो एक मुख्य है क्या, यदि अगर हम जनपदों की आय नहीं बढ़ाएंगे तो जनपदों को आगे चला नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले तो सभी हम लोगों को अध्यक्षों को ये कोशिश करना चाहिए
कि हमारी जनपद में हम आय का सृजन कैसे कर सकें, और अगर आय के स्रोत हम अपनी जनपद के बनाएंगे तो कर्मचारियों की वेतन प्लस अपनी जनपद के खर्चे कम से कम खुद निकालने की कोशिश करें। और इसमें सबसे जो जरूरी एक विषय भाई साहब से संबंध, जो संचालनालय में अपने पास एकत्र पैसा है काफी सारा जो वापस होके आया है, उसमें से अगर लोन देना शुरू किया जाए कोई इस टाइप से कि जैसे मंडी बोर्ड हम लोगों को मंडियों में लोन देता था, तो उससे अगर कोई परिसंपत्ति हम लोग ऐसी बनाए जिनको रेंट पे दे सकें और इनकम हो, उनके लिए अगर लोन देना शुरू किया जाए तो उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा जनपद पंचायतों के लिए। इसके साथ ही जैसे सीसी रोड या जो रोड बनाए जा रहे हैं उनमें, रोड में यदि अपन बाहर देखें तो यहाँ बहुत अच्छा जो लोकल उत्पाद है पत्थर का, उससे बहुत अच्छी सड़क बनाई गई है। तो सीसी रोड की जगह अगर हम ये पेवर जो पत्थर वाले हैं जहाँ उपलब्ध हैं उनकी अगर सही सड़क बनाएं तो बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। इसके बाद एक अभी सर ने बताया कि वेंडरों से संबंधित आपके जो दिक्कत आ रही है, कई जो छोटे काम हैं पंचायतों के, मैंने जिनकी लागत 25,000, 50,000, 1,00,000 तक है, अब उसमें चूंकि वेंडर मिलते नहीं है, अगर वेंडर मिलते भी हैं तो वो बहुत दूर के हैं, वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो या तो इसमें एक लिमिटेशन बना दें अपन कि इतने तक की राशि के जो कार्य हैं वो अपन ऐप के माध्यम से करें, उससे छोटे कार्य जो लोकल वेंडर हैं जिनका ऑडिट हो रहा है या जो रजिस्टर्ड हैं उनसे अपन करवाते रहें। जैम पे सारे के सारे नहीं जाएं, जैम पे जाने से एक बड़ी दिक्कत हो रही है कि वो 10,00,000-20,00,000 का सामान है वो तो देने तैयार है, लेकिन वो 10,000-20,000-25,000 के सामान के लिए जैम पे तैयार नहीं हो रहे हैं, छोटे छोटे जो काम है वो प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा मनरेगा में जो जनपद स्तर पर काम चल रहे हैं उनमें एक स्वीकृति के लिए जो बड़े कार्य हैं वो जिले से स्वीकृत हो रहे हैं, इसमें अगर जनपदों की भागीदारी रहेगी तो सभी लोगों को एक काम के बारे में पता रहेगा। दूसरा जो 60-40 का रेशियो है वो जिले से देखा जा रहा है, अगर हम इसे जनपद स्तर पर देखें कि किस जनपद का रेशियो सही है तो वो जनपदें अपना काम उस रेशियो में कर सकती हैं। अभी जिले का रेशियो देखते हैं तो हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं है लेकिन कोई काम मिल नहीं रहा क्योंकि रेशियो जिले का ज्यादा है, तो इसको अगर अपन जनपद स्तर पर आए तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसी में एक बड़ी समस्या जो आ रही है आपके मटेरियल भुगतान अगर मनरेगा में, क्योंकि मटेरियल भुगतान लंबे समय से पेंडिंग है, उसमें अगर हम FTO करना शुरू कर दें, काम चूंकि भौतिक रूप से कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन बिल पेंडिंग है तो वो इनकम्प्लीट दिखा रहे हैं, तो इसको अगर अपन FTO कर दें, जब बिल आपका हो जाए उसके बाद फिजिकली वेरीफाई पहले कर लें और बाद में उसको कंप्लायंस कर दें, तो बिल क्योंकि जाना होगी कि वेंडरों के अकाउंट में ही है, तो इसको अपन बिल को जैसा अपन मजदूरी को डाल देते हैं FTO करके, वैसा अगर बिलों को भी डालते जाएं तो एक आपका मैंने पेंडेंसी खत्म हो जाएगी जो एक्स्ट्रा शो कर रहे हैं। अपन मजदूरी को डाल देते हैं FTO करके, वैसा अगर बिलों को भी डालते जाएं तो एक आपका मैंने पेंडेंसी खत्म हो जाएगी जो एक्स्ट्रा शो कर रहे हैं। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में जैसे बहुत सारे काम है, एक मुख्य रूप से जैसे भाई साहब से हमने एक निवेदन किया था तो भाई साहब ने कहा जब भी मौका मिला यहां बताएं। एक सुझाव है, यदि हम जो भी कार्य ग्राम पंचायतों में हो रहे हैं उनको टेंडर के माध्यम से कराना चाहें तो उसमें गुणवत्ता जो ग्राम पंचायत के कार्यों में लगभग आधे कार्यों में नहीं मिल रही है वो मिलना शुरू होगी, और उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल भी रहेगा। उससे गवर्नमेंट को फायदा ये रहेगा कि 18% जो आप GST दे रहे हैं वो 100% गवर्नमेंट को रिफंड होगी। अभी वेंडरों के चूंकि जो रिफंड नहीं आ पा रहा, आधा रिफंड आता है, आधे वेंडर फर्जी थे तो वो रिफंड नहीं आ रहा था, और अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देती हैं भले उसमें आप एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाएं GST, अब चूंकि GST कंपलसरी देने लगे हैं अपन और वो रिफंड आ नहीं रहा है, और अगर इसको टेंडरों में ले जाते हैं तो इसमें गुणवत्ता नियंत्रण भी रहेगा, काम के लिए आपकी 3 साल या 5 साल की परफॉर्मेंस भी रहेगी, भले एजेंसी ग्राम पंचायत ही रहे, तकनीकी अमला आपके पास है ही, आपका पूरा SDO है, सविनियर है, ई है, प्रोसेस पूरी वही है, सिर्फ ये है कि उसमें रेट भी आपको आज अगर रेट देखें कि अगर मार्केट में CC में 25-30% बिलो टेंडर जा रहे हैं और हम उनको 90% पैसा दे रहे हैं, 10% केवल टेंडर प्रॉफिट काट रहे हैं, तो 100 रुपये की चीज सरपंच 90 में कर रहा है और कॉन्ट्रैक्टर वही चीज लगभग 60 रुपये में करने तैयार है, तो एक बेनिफिट एजेंसी आप ग्राम पंचायत को रखें, मॉनिटरिंग उनकी रखें, लेकिन उससे सुधार ये आएगा कि आपके कार्यों की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाएगी। उसको समूह में टेंडर लगाएं, छोटे टेंडर कोई लेगा नहीं अगर, तो
तो एक टेक्निकली दिक्कत है कि छोटे टेंडर लगेंगे कोई लेगा नहीं, उसको अपन अगर ब्लॉक स्तर पे बल्क में टेंडर लगा दें कि आवास के हैं, बाउंड्री के हैं, सीसी के हैं, इतने इतने। इसके अलावा एक और जो था आपका जो कार्बन उत्सर्जन से संबंधित, तो उसमें अगर हम सीमेंट लोहा इनका कंजम्पशन कम करें और जो लोकल स्तर पर उपलब्ध है, जैसा सीसी रोड में हमने कहा कि अगर उसकी जगह लोकल स्तर में पत्थर उपलब्ध है उसका उपलब्ध, रेशियो ठीक हो जाएगा, रेशियो भी ठीक हो जाएगा, मनरेगा में भी एक रेशियो आने लगेगा और लोकल लोगों को कुछ काम भी मिलता रहेगा। इसके अलावा जो काम किए जा रहे हैं उनके लिए गुणवत्ता परीक्षण की लैब तो है लेकिन वो काम नहीं कर पा रही, तो या तो इसमें एक थर्ड पार्टी अपन इंक्लूड कर दें, एनएबीएल या कोई भी रेगुलर मॉनिटरिंग में देख सकें। एसवीएम में एक बहुत ज्यादा फंडिंग अपन कर चुके हैं पहले से और उनमें चूंकि तरल में दिक्कत आ रही है, तरल के लिए ग्राम पंचायतों के पास एक्सेस पैसा है वो काम नहीं कर रहा है और तीन तीन साल से उनके खातों में पड़े हुए हैं, तो ठोस में तो उनको चूंकि नाडप बनाने थे तो कहीं भी गिनके बना दिए। हमारे ग्राम पंचायत में हैंडपंप, सर जी सर धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद।